बर्गर किंग हत्याकांड में फरार मोस्ट वांटेड लेडी डॉन आखिरकार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। पुलिस ने उसे भारत नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा है, वो भी ठीक उस वक्त जब वो देश के कई राज्यों की पुलिस को चकमा देते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल होते हुए अमेरिका भागने की फिराक में थी। लेडी डॉन अनु को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे ज्यादा रिहायशी इलाका माने जाने वाला राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल लेडी डॉन की दिल्ली पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। स्पेशल सेल ने मुखबिर की सूचना के बाद लेडी डॉन को नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा है। इस मामले में कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है दिल्ली का बर्गर किंग हत्याकांड। 18 जून की रात बर्गर किंग में गैंग वॉर में अमन नाम के बदमाश पर 40 से ज्यादा गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अमन उस समय एक महिला के साथ बैठा था, वो लेडी डॉन ही थी। जब हमलावरों ने गोली चलाई तब रेस्टोरेंट के अंदर 50 से ज्यादा ग्राहक और 10 कर्मचारी मौजूद थे। गोली मारने वाले शूटर खुकियात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाव के थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 18 जून की रात अनु ने अमन को बर्गर किंग में बुलाया था, जहां दो बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। उसकी मौत के बाद अनु अमन का मोबाइल लेकर भाग गई थी। अमन अशोक प्रधान गिरोह का बदमाश था। बदमाशों ने अनु के जरिए अमन को बर्गर किंग में बुलाकर हत्या की थी। फिलहाल इस मामले में लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड से जुड़ी कई गुत्थियां सुलझने का दावा पुलिस कर रही है। सूत्रों की माने अनु धनकर ने पूछताछ में बताया है कि उसकी पुर्तगाल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और साहिल लिटोलिया से दोस्ती है। उसने अमेरिका में रहने के लिए अपने खर्च पर वीजा और अन्य दस्तावेज दिलाने की बात कही थी, ताकि वह वहां शानदार जिंदगी जी सके। लेडी डॉन ने यह भी खुलासा किया है कि हत्याकांड के बाद वो पुलिस से बचने के लिए कई जगह पर छिपती रही थी, लेकिन आखिरकार स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। लेडी डॉन को पुलिस गिरफ्तार कर मामले की आगे जांच में जुट गई है।